नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। पूरे प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो वहीं सरकारी नुमाइंदे बिना रिश्वत के आम जन के काम नहीं करते आ रहे हैं। वहीं भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर SEB विभाग लगातार ऐसे भ्रष्टाचारियों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है। इसी के तहत सीकर SEB ने बड़ी कार्यवाही करते हुए लोसल नगर पालिका में भूमि शाखा के वरिष्ठ सहायक विशाल माथुर को SEB ने 5,000 की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया। रिश्वत की राशि पट्टा बनाने की एवज में ली जा रही थी। SEB के DSP जाकिर अख्तर ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। पट्टा बनाने की सरकारी रेट 1800 रुपये थी, ऊपर से 5,000 की रिश्वत राशि की भी मांग की गई। परिवादी रामेश्वर लाल ने इसकी सूचना SEB में दी, तो SEB ने सत्यापन के बाद आज रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं जब SEB की टीम पालिका पहुंची तो पालिका में हड़कंप सा मच गया और सभी पालिका कार्मिक इधर उधर होने लगे। संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट। क्या मामला सामने आया सर? लोसल नगर पालिका के भूमि शाखा के वरिष्ठ सहायक विशाल द्वारा परिवादी के पट्टे बनवाने व फाइल तैयार करने के लिए रिश्वत की राशि की डिमांड की गई, जिस पर इसका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन पर उसने फाइल तैयार करने व पट्टा देने के लिए 18,100 रुपये सरकारी खर्च व 5,000 रुपये स्वयं के लिए उसने डिमांड की, जो सत्यापन होने के बाद आज देते हुए पकड़ा है। कार्रवाई जारी। परिवादी का क्या नाम है सर? परिवादी रामेश्वर। कहाँ के हैं सर परिवादी?